अध्याय 11 विराट रूप। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्म संगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। एवमित्यथात्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। इहैकस्थं जगत् कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम् एन नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्यांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम
अनंतं विश्वतो मुखम्। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थीं। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवे द्युग पदुत्थिता यदि भाह सदृशी सास्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तं अनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन, भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ततः सविस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन वाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्त रूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कत् तितिम प्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौन तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप परमाद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्।
आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन। यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं। अमी हि त्वां सुर संघा विशन्ति केचिद् भीता पांजलयो गृणन्ति स्वस्तित्ययुक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा तुवन्ति त्वां स्तुतिभि पुष्कलाभि। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो यच साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ति तां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहु बहुबाहु रूपादं बहुदरं बहुदंष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रवथितास्तथाहम्। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याक्ताननं दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवृत्तितांतरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। अमी च त्वां धृत राष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवाव निपाल संघै भीष्मो द्रोणासूत पुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योध मुख्यै
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संद्रश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। यथा नदीनां बहवोम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ती तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ती। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लेलीयसे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्ना प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्या हि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवान वाच कालो अस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पितां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तस्मात्तमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्तं जहिमा व्यतिष्ठा
युद्ध स्वजेता सिरणे सपत्नान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय उवाच एतश्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्व भूय एवाह कृष्णं सगत्कदं भीत भीत प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, अर्जुन वाचा थाने ऋषि केश तव प्रकीर्त्या जगत प्ररश्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। कस्माच्चते नमिरन् महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सद सतत् परं यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। वायुर्यमोग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापी
यच्चावहासात्तमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामयेतामहं प्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम् प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादयेतामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अदृष्ट पूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि तां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान वाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यं यन्मे त्वदन्येन द्रष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्नैः एवं रूपशक्यहं निलोके
द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रिं ममेदं व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अर्जुन वाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवी रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानस्यं मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च इच्छया शक्य एवं विधो दृष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम् एवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है।